संयुक्त राष्ट्र महासभा पर दुनिया भर के देशों के नेता आते हैं और दुनिया उनकी बातों को गौर से सुनती है। लेकिन एक देश ऐसा भी है जो हर साल यूएन में बस एक ही बात का रोना रोता है। अब तक आप समझ ही गए होंगे कि हम किसकी बात कर रहे हैं। जी हां, हम बात कर रहे हैं अपने पड़ोसी देश पाकिस्तान। पाकिस्तान पीएम इमरान खान ने हर बार की तरह एक बार फिर भारत पर निशाना साधा और कश्मीर को लेकर जी भर कर झूठ बोला। अब की बार इमरान खान को फिर मौका मिला था संयुक्त राष्ट्र में अपनी बात को रखने का, पाकिस्तान के विकास की बात करने का, दुनिया के सामने आई कोरोना महामारी से निपटने की राह दिखाने का। हालांकि इस मौके पर भी इमरान खान ने वही मुद्दा चुना जिसको लेकर वो कई बार अंतर्राष्ट्रीय मंच पर अपनी फजीहत करवा चुके हैं। एक बार फिर उन्होंने संयुक्त राष्ट्र में कश्मीर मुद्दे पर अपना प्रोपेगेंडा ही चलाया। Mr. President, the brave Kashmiri people will never submit to Indian occupation and oppression. Their struggle is indigenous. They are fighting for a just cause, and generation after generation have laid down their lives to rid themselves of Indian occupation. The government and people of Pakistan are committed to standing by and supporting the Kashmiri brothers and sisters in the legitimate struggle for self-determination. Mr. President, in order to divert attention from its illegal actions and atrocities in Indian-occupied Jammu and Kashmir, India is playing a dangerous game of upping the military ante against Pakistan. लेकिन दुनिया हर बार की तरह पाकिस्तान के प्रधानमंत्रियों के भाषणों से इस बार भी बोर हो गई। इमरान खान ने संयुक्त राष्ट्र में और क्या क्या झूठ बोला वो भी जरा सुन लीजिए। इमरान खान ने कहा, भारत में मोदी सरकार अल्पसंख्यकों के ऊपर अत्याचार कर रही है। आरएसएस का मकसद भारत को हिंदू राष्ट्र बनाना है। भारत सरकार इस्लामोफोबिया को फैला रही है। सेना कश्मीरियों पर जुल्म ढा रही है। कश्मीरियों के मानवाधिकारों का हनन हो रहा है। अगर भारत ने आक्रामकता दिखाई तो हम भी पीछे नहीं हटेंगे। Mr. President, the one country in the world today where I'm sad to say the state sponsors Islamophobia, and that is India. The reason behind this is the RSS ideology that unfortunately rules India today. Fan nationalism, increased global tensions, and given rise to racial and religious hatred and violence against vulnerable minorities in several places. These trends have also accentuated Islamophobia. Muslims continue to be targeted with impunity in many countries. Our shrines are being destroyed. Our Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam insulted, the Holy Quran burnt, and all this in the name of freedom of speech. Incidents in Europe, including republication of blasphemous sketches by Charlie Hebdo, are recent examples. We stress that willful provocations and incitement to hate and violence must be universally outlawed. This assembly should declare an international day to combat Islamophobia and build a coalition to fight the scourge that splits humanity. जो पाकिस्तान आज भारत को धर्म निरपेक्षता सिखा रहा है उसने खुद कभी धर्म निरपेक्षता को नहीं माना। पूरी दुनिया जानती है कि भारत और यूरोप में मुसलमानों की चिंता करने वाले देश पाकिस्तान में अल्पसंख्यकों की क्या हालत है। पाकिस्तान में अहमदी, शिया, हिंदू, ईसाई और सिखों पर हर दिन जुल्म हो रहे हैं, लेकिन इमरान इस पर खामोश ही रहते हैं। यह पहला मौका नहीं है जब दुनिया को पाकिस्तान प्रधानमंत्री ने अपने कश्मीर राग से बोर कर दिया हो और अपनी हंसी बनवाई हो। पाकिस्तान का कश्मीर एजेंडा इतना खोखला हो चुका है कि अब इसकी सच्चाई दुनिया के सामने खुलकर आ चुकी है। पाकिस्तान प्रधानमंत्री इमरान को ट्विटर कश्मीर के ऊपर
फेक वीडियो पोस्ट करने पर नोटिस तक भेज चुका है। पाकिस्तान के मंत्रियों ने भारत के खिलाफ और क्या प्रोपोगेंडा रचा वो भी समझिए। श्रीनगर गलत वीडियो ट्वीट करने पर नोटिस भेजा गया। अप्रैल 2020 में ट्विटर ने ISI के भारत विरोधी कई फेक अकाउंट बंद कर दिए। पाकिस्तान के पूर्व मंत्री रहमान मलिक का अकाउंट सस्पेंड कर दिया गया। भारत विरोधी गलत ट्वीट पर अगस्त 2019 में अकाउंट सस्पेंड हुआ। भारत ने UN में पाकिस्तान के झूठ का जवाब भी दिया। भारत ने UN में पाक को साफ शब्दों में कह दिया कि अब भारत कश्मीर पर बात करने के बजाय POK पर बात करेगा। राइट टू रिप्लाई के तहत भारत ने पाकिस्तान को बता दिया कि उसका झूठ अब और नहीं चलेगा। This is the country that brought genocide to South Asia 39 years back when it killed its own people. This is also the country that is shameless enough not to offer a sincere apology for the horrors it perpetrated even after so many years. This is the same country that provides pensions for dreaded enlisted terrorists out of state funds. This is the same country that has the dubious distinction of hosting the largest number of terrorists proscribed by the United Nations. The leader whom we heard today is the same person who referred to the terrorist Osama bin Laden as a martyr in his parliament in July. The same leader who spewed venom today admitted in 2019 in public in the US that his country still has about 30,000 to 40,000 terrorists who have been trained by Pakistan and have fought in Afghanistan and in the Indian Union territory of Jammu and Kashmir. संयुक्त राष्ट्र के मंच पर इमरान खान करीब 25 मिनट 22 सेकंड तक बोले, लेकिन इसमें से 9 मिनट और 22 सेकंड तक उनकी जुबान पर सिर्फ भारत के खिलाफ झूठ ही रहा। समझ नहीं आता कि इमरान खान पाकिस्तान के प्रधानमंत्री हैं या फिर भारत के। उन्हें अपने पाकिस्तान से ज्यादा भारत की फिक्र है। जरूरत है पड़ोसी देश को अपने अंदर झांकने की। पाकिस्तान अपने यहाँ की गरीबी और भुखमरी दूर करने पर ध्यान दे। गिलगित बाल्टिस्तान के लोगों पर अत्याचार बंद करे। आतंकवाद को पालना जिस दिन पाकिस्तान बंद कर देगा, उस दिन पूरी दुनिया की आधी परेशानी वैसे ही खत्म हो जाएगी।